सो वी आर हैविंग वी आर गिवन आर 20 मीटर हाई बिल्डिंग जिसके ऊपर एक टॉवर है और ग्राउंड पे हमें एक पॉइंट गिवन है. तो दिस इज द ग्राउंड. ग्राउंड से एक पॉइंट गिवन है जिसका हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है. तो इट मीन्स ऊपर की तरफ बनेगा. ये एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री. एंड टॉप ऑफ द टॉवर के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज गिवन टू बी 60 डिग्री. तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है. लिसन टू द स्टेटमेंट वंस अगेन. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ ध्यान दो, एक तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन की बात हो रही थी, इट मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बनेगा. साथ में उसने क्या कहा, एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप. पहले बॉटम कहा उसने, फिर टॉप कहा उसने, और एंगल्स जब मेंशनड है पहले 45 डिग्री मेंशनड है फिर 60 डिग्री मेंशनड है. अदरवाइज आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब हम वर्टिकली एंगल्स बना रहे हैं तो छोटा वाला एंगल नीचे होता है अंदर की तरफ आता है, जो बड़ा वाला एंगल होता है वो आपका बाहर की तरफ आता है. तो दिस इज योर 60 डिग्री एंगल एंड दिस इज 45 डिग्री एंगल. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी आर टू फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर. तो हाइट ऑफ द टॉवर यानी कि दिस वी आर टू फाइंड एच हाइट ऑफ द टॉवर मान लेंगे. दिस इज योर ए बी सी एंड दिस इज डी. अब मेरे पास क्लियर कट यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं. एक ये वाली छोटी वाली ट्राइंगल बन रही है, दिस इज ट्राइंगल बी सी डी. और जो दूसरी वाली ट्राइंगल बन रही है मेरी, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी. ये बड़े वाली ट्राइंगल है. This is A, B, C. तो दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या करना है, वी आर टू अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी हमारे कंसेप्ट हैं. तो इन ट्राइंगल बी सी डी मुझे ये हाइट निकालनी है. छोटे वाले ट्राइंगल के लिए मेरे पास 20 है, ये परपेंडिकुलर है, थीटा है. हाइपो या बेस में से मैं कुछ भी निकाल सकती हूँ. अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करती हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए मेरे पास ना ये वाली पूरी साइड है, ना ये वाली साइड है, ना ये वाली साइड है. लेकिन मुझे ये पता है कि ये वाली जो साइड बी सी है सेम है एज वी आर हैविंग इन दिस ट्राइंगल बी सी डी. तो ट्राइंगल बी सी डी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये बी सी निकाल लेंगे. देन बड़े वाले ट्राइंगल में बी सी की वैल्यू हमारे पास होगी तो वी कैन फाइंड आउट द परपेंडिकुलर एंगल हमें गिवन है. तो इन ट्राइंगल बी सी डी वी आर हैविंग परपेंडिकुलर और बेस के साथ हम डील कर रहे हैं. बी सी बेस है यहाँ पे. तो टेन 45 इज इक्वल टू 20 अपॉन बी सी. टेन 45 यू नो दैट इज 1. तो 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन बी सी, यानी कि बी सी जो है बेस मेरे पास आ गया वो 20 मीटर. तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई अब 20 मीटर. अब बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी सी. इससे पहले आप ऊपर आपको बताया हुआ है किस तरीके से मेंशन करना है. लेट बी डी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 20 मीटर. बी ए रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग द टॉवर. ए डी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द टॉवर दैट इज इक्वल टू एच. और थीटा वन एंड थीटा टू आपके एंगल्स गिवन है. उसके बाद आपने इस तरीके से लिखना है. सो इन ट्राइंगल ए बी सी वी आर हैविंग अगेन टेन 60 इज इक्वल टू. अब पूरा ये वाला आपका ट्राइंगल बन रहा है. तो दिस इज ए डी प्लस डी बी. तो ए डी एच है, डी बी 20 है. तो पूरी जो ये लेंथ है दिस इज एच प्लस 20 अपॉन में बी सी इज अगेन 20. टेन 60 इज रूट 3. ये वाला 20 हम इधर ले आएंगे तो दिस इज 20 रूट 3 प्लस 20 हम इधर ले आएंगे तो दिस इज इक्वल टू एच. यानी कि हाइट ऑफ द टॉवर जो है दैट इज 20 रूट 3 माइनस 20. अब यहाँ पे आप क्या करोगे, रूट 3 की वैल्यू पुट कर दोगे 1.732 एंड देन यू विल सिंप्लीफाई. पहले मैंने 20 बाहर ले लिया, दिस इज रूट 3 माइनस 1, देन रूट 3 की वैल्यू पुट की 1.732. सो दिस इज 20 इंटू 0.732. सो दिस विल बी 14.64 meters. सो हाइट ऑफ द टॉवर लास्ट में आप लिख दोगे, हाइट ऑफ द टॉवर इज 14.64 मीटर्स.
So this was your question number 7. Height of the tower is 14.64 मीटर. मेन अगेन आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि जो आपका क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, दैट इज बेस्ड ऑन योर फिगर ओनली. फिगर अगर करेक्ट है देन ओनली योर सॉल्यूशन विल बी चेक, अदरवाइज इट विल नॉट बी चेक. सो यू आर टू टेक केयर ऑफ दिस कि फिगर आप सही बनाएं. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में वी आर गिवन अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. अब जो फिगर है वो सेम बनेगी, जो डिफरेंस है वो क्या है कि अब यहाँ पे मुझे बिल्डिंग की जगह पेडेस्टल गिवन है और टॉवर की जगह स्टैचू गिवन है. तो बी डी जो है दैट इज द पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल हो गया. ए डी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैचू को जिसकी हाइट मुझे गिवन है 1.6 मीटर. सो अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. तो दिस इज द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. डी पॉइंट जो है दैट इज द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री. ये स्टैचू का टॉप है, ये एंगल अगेन दिस इज गिवन टू बी 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. ये आपका टॉप ऑफ द पेडेस्टल भी है और बॉटम ऑफ द स्टैचू भी है. तो हमें क्योंकि टॉप ऑफ पेडेस्टल उसने कहा तो मैंने ये दिखा दिया. एंड दिस एंगल इज अगेन गिवन टू बी 45 डिग्रीज. सो यू आर टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. अब इसको एच मान लोगे तो दिस वी आर टू फाइंड आउट. सेम कंसेप्ट रहेगा आपका, सिर्फ जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी. यहाँ पे क्योंकि मुझे ये वाला एच की वैल्यू गिवन नहीं है तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, जैसे पिछले वाले केस में मुझे बीसी की वैल्यू मिल गई थी. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8. अब इन ट्राइंगल दिस इज टैन 45 इक्वल टू एच अपॉन बीसी आ जाएगा यहाँ पे. तो बी सी यहां से आ जाएगा एच मीटर. मुझे नहीं पता एच की वैल्यू क्या है, दैट आई हैव टू फाइंड आउट. सो बी सी मेरा यहाँ पे आ गया मेरे पास एच मीटर. अब मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे टेन 60 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एच प्लस 1.6 अपॉन में बी सी दैट इज एच. अब वैल्यूज पुट कर दो एंड सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर. सो दिस इज टेन 60 इज रूट 3. ये वाला एच हम इधर ले आएंगे. दिस इज इक्वल टू एच प्लस 1.6. सो दिस इज रूट 3 एच माइनस एच इक्वल टू 1.6. एच इंटू 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6. तो एच इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 0.732. सिंप्लीफाई दिस एंड गेट योर आंसर. आप चाहो तो इसको रैशनलाइज करके भी कर सकते हो. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस वैल्यू आपका आंसर, क्योंकि रैशनलाइजेशन के फॉर्म में है तो डू इट इन दैट वे ओनली. यहाँ से एच आ गया आपके पास रूट 3 माइनस 1 इंटू 1.6, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस आपकी बड़ी हो रही हैं तो गो फॉर दिस वे. सो दिस इज रूट 3 माइनस 1. रैशनलाइज कर लोगे आप इसको. So this is 1.6 into root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 into root 3 plus 1 is 3 minus 1, that is 2. So this is 0.8 into, ye cancellation ho jayegi, 0.8 into root 3 plus 1 meters. So height of the pedestal is 0.8 into root 3 plus 1 meters. So bilkul same tha, sirf jo values thi accordingly wo change ho gayi. एंड फिगर वगैरह एंड रेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग बिल्कुल सेम था. तो आपको अगर ऊपर की हाइट निकालनी है या नीचे की हाइट निकालनी है, यू आर हैविंग टू ट्राइंगल्स फॉर दैट. छोटे वाले ट्राइंगल में अगर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था डायरेक्ट वैल्यू गिवन है तो सेम विल बी द वैल्यू ऑफ बी सी, क्योंकि एंगल 45 का गिवन है. अगर इस तरह का है तो उसमें वो वैल्यू नहीं गिवन है. तो जो एज्यूम आपने यहाँ किया है सेम विल बी द वैल्यू ऑफ बी सी.
देन आप बड़े वाला ट्राइंगल लोगे, बीसी की जो भी आपकी वैल्यू आई है वहां रिप्लेस करोगे, ये आपका एच जो है अननोन क्वांटिटी थी उसमें आपका एक एक्सप्रेशन बन गया, सिंप्लीफाई दैट एंड गेट योर आंसर। इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क फॉर द डाउट, अदरवाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9 में वी आर हैविंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। हमें अब यहाँ ध्यान देना कि जब दो चीजें ऐसे दी होती हैं, टॉवर और बिल्डिंग, हमें नहीं पता लगता कि कौन सी हमने बड़ी लेनी है कौन सी छोटी लेनी है, तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन जो भी गिवन होगा उससे आपको पता लगेगा। यहाँ हमें क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। टॉवर के फुट से जो बिल्डिंग का एंगल बन रहा है एलिवेशन का, दैट इज गिवन टू बी 30 डिग्री। और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं, एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अच्छा, अब इसमें क्या है, जो हमारी टॉवर लेनी है हमने, जो हमारी बिल्डिंग लेनी है हमने, वो अलग अलग है, यानी कि ऐसे एक पॉइंट पे नहीं है, तो आपको उसके लिए दो वर्टिकल लाइंस लगानी होंगी। एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या आता है कि इनमें से मैं किसको टॉवर लूं और किसको बिल्डिंग लूं। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग से जो है टॉप ऑफ द टॉप टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टॉवर का जो एंगल मुझे गिवन है दैट इज 30 डिग्री, और फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टॉवर का जो एंगल मुझे गिवन है वो है 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है, इट मींस जिसका ये एंगल गिवन है मुझे टॉप से, दैट बिल्डिंग जो है उसकी हाइट मुझे कम लेनी है, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री का बन रहा है तो ये कम स्टीप होगा, और जो एंगल मुझे 60 डिग्री का गिवन है वो ज्यादा स्टीप होगा, तो ये एंगल मुझे लेना है 60 डिग्री का, यानी कि दिस विल बी द बिल्डिंग और ये मेरी क्या होगी, टॉवर। सो ये फिगर बन जाएगी। अब जो जो गिवन है अकॉर्डिंगली वो बोले हम लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन था यहाँ पे, दैट द बिल्डिंग की जो हाइट, टॉवर जो है दैट इज 50 मीटर हाई, तो ये वाला जो हाइट मुझे गिवन है दैट इज गिवन टू बी 50 मीटर। नेम दे दो इसको ए बी सी एंड डी। अगेन यू कैन सी क्लियरली टू ट्राइंगल्स, एक बन रही है ए बी सी और दूसरी बन रही है बी सी डी। दोनों में बी सी बेस कॉमन है। व्हाट वी आर टू फाइंड आउट, वी आर टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग को मैं एच मान लूंगी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं लेके चलती हूँ, ए बी सी में टेन 60 परपेंडिकुलर एंड बेस, बेस अभी मेरे पास नहीं है तो मैंने इसको एच अपॉन बी सी ले लिया, तो टेन 60 √3, सो बी सी आ गया यहाँ पे मेरे पास h/√3। अब वैल्यू पुट करनी है हमें, बी सी जो है वो हमें निकालना है, तो इसको इधर ही रहने दो बेशक, क्योंकि एच हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको √3 BC लिख लो आप। अब दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास बी सी डी, तो दूसरे ट्राइंगल बी सी डी में, जस्ट अ मोमेंट रिशित, यस बच्चे, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम ये ट्रायंगल एबीसी में 10 30 नहीं लेना? इट्स 30, दिस इज 30, मैंने गलती से 60 लिख दिया, दिस वन इज 30, तो ये वैल्यू आपकी 1/√3 हो जाएगी, तो बी सी जो है दैट विल बी एच जो है दैट विल बी बी सी अपॉन रूट थ्री। बाद में हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। सो नेक्स्ट ट्राइंगल हम लेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, इसमें एंगल हमारा 60 डिग्री का है, तो टेन 60 इज इक्वल टू हाइट 50 गिवन है, बी सी हमें नहीं पता कितना है, टेन 60 इज √3,
इक्वल टू 50 अपॉन बीसी, तो बीसी की वैल्यू आ गई 50 बाय रूट 3। अब ये बीसी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन वी विल गेट आर आंसर। तो सिंप्लीफाई करो इसको एंड यू विल हैव योर आंसर। सो लेट दिस बी इक्वेशन टू, दिस बी इक्वेशन वन, यूजिंग टू इन वन h इज इक्वल टू 50 बाय रूट 3 और ये वाला रूट 3 एज इट इज साथ में, सो दिस इज 50 बाय 3 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, चाहे आप इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लो, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50 अपॉन 3 और 16 एंड 2 बाय 3 मीटर। चाहे डेसिमल में कर लो, चाहे मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, दैट विल बी योर आंसर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 एंड 2 बाय 3। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, मैंने 60 लिख दिया था। हेयर इन ट्राइंगल ए बी सी दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो अकॉर्डिंगली यू विल गो विद दिस 30 डिग्री। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 9। इफ एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देन यू कैन आस्क फॉर द डाउट, अदरवाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। This is an important question. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. Two poles hame given hai, jinki height same hai. So equal heights ke humne do poles le lene hai, जो कि ऑन ईदर साइड ऑफ रोड हैं, जिसकी विड्थ हमें गिवन है 80 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब रोड पे कहीं पे कोई एक पॉइंट लेना है हमने। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब एक एंगल 60 डिग्री है, दूसरा एंगल 30 डिग्री है, तो आपने ध्यान रखना है जो 60 डिग्री है वो कम स्टीप होगा और जो 30 डिग्री है वो ज्यादा स्टीप बनेगा आपका। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री का एंड दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, यानी कि जो ये वाला डिस्टेंस है ये ज्यादा होगा और ये वाला डिस्टेंस आपका कम होगा। अब मुझे नहीं पता टोटल डिस्टेंस, मुझे ये पता है दैट दिस टोटल डिस्टेंस इज एक्स, तो इनकी नेमिंग देंगे, एक डिस्टेंस एक्स मान लेंगे, दूसरा जो है वो हम 80 माइनस एक्स से ले लेंगे। सो इसको मैं अगर एक्स मान लेती हूँ तो दिस इज 80 माइनस एक्स। हाइट ऑफ पोल हमें नहीं पता, हमने एच मान ली, दिस इज ए बी, इसको सी ले लो एंड दिस वन इज डी। दो ट्राइंगल्स आपकी यहाँ पे आपको दिख रही है, वन इज ए बी सी एंड द अदर वन इज ई, ले लो यहाँ पे डी सी ई या ई डी सी। सो दो ट्राइंगल्स मीन्स दो बार लगाओगे आप कंसेप्ट ट्रिग्नो का। फर्स्ट ट्राइंगल है मेरी ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी टेन 30, एच और एक्स परपेंडिकुलर एंड बेस है, तो टेन 30 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, वन बाय रूट 3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। अब यहाँ पे एच इज इक्वल टू एक्स बाय रूट 3 या एक्स इज इक्वल टू रूट 3 एच, जैसे मर्जी आप ले, मैंने ये ले लिया x is equal to root 3h. This is your first equation. अब second triangle लेंगे EDC. So again, अब यहाँ पे angle 60 degree है, तो tan 60 is equal to 80 minus x upon h upon 80 minus x, perpendicular upon base. x की वैल्यू रूट थ्री एच हम इसमें पुट कर देंगे, tan 60 इज रूट 3, सो यूजिंग वन ब्रैकेट्स ओपन करेंगे एंड सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दिस इज 80 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, so 80 root 3 is equal to h plus 3h, that is 4h, so h is equal to
ट्वेंटी रूट थ्री, हाइट ऑफ द पोल्स आ गई हमारे पास 20√3। अब उसने हमारे से पूछा क्या था, उसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ये हमने निकाल ली 20√3। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, यानी कि पॉइंट सी का डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पोल्स भी हमें बताना है। इट मीन्स वी आर टू फाइंड आउट बी सी एज वेल एज सी डी। तो एच 20√3 यहाँ हम पुट करेंगे। इसके बाद ये वाला पार्ट है, पुट एच इज इक्वल टू 20√3 इन इक्वेशन वन। सो एक्स यानी कि बी सी आ जाएगा मेरे पास √3 इंटू 20√3 दैट इज 60 मीटर, और सी डी 80 माइनस एक्स यानी कि 60, तो दैट इज 20 मीटर्स। यानी कि जो पॉइंट है वो एक पोल से जो है 60 मीटर के डिस्टेंस पे है, दूसरे पोल से 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी ऑन द रोड फ्रॉम द पोल ए बी इज 60 मीटर एंड फ्रॉम द पोल डी ई या ई डी इज 20 मीटर। तो एक पोल के वो पास है, दूसरे पोल से वो दूर है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन। दो ट्राइंगल्स थे, एक ट्राइंगल में से वैल्यू जो है वो हमने दूसरे में पुट की, तो हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी थी वो आ गई। इस अननोन क्वांटिटी को हमने एक और अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करनी थी, वहां पे पुट किया, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वैल्यू आई। दूसरी वाली वैल्यू निकालने के लिए, दूसरा डिस्टेंस निकालने के लिए उसको 80 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया एंड यू हैव गॉट द आंसर। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आई विल गिव यू द हिंट, यू विल डू इट योरसेल्फ। अगेन उसमें भी इसी तरीके से दो ट्राइंगल्स बनेंगी, मैं सिर्फ फिगर आपको और मेथड एक्सप्लेन करूंगी, क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। इसमें हमें गिवन है अ टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। तो एक कैनाल के एक साइड पे एक टीवी टॉवर है, सो लेट दिस बी रिप्रेजेंटिंग द टीवी टॉवर। From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Canal ke opposite side pe top ke saath jo ban raha hai angle, that is given to be 60 degree. Dubara sun lo isko, from a point on the other bank. Ek bank pe ye tower hai, dusre point pe jo hai dusre bank pe ek point liya gaya. डायरेक्टली ओपोजिट द टॉवर यानी कि इसकी बिल्कुल सीध में। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज गिवन टू बी 60 डिग्री। फिर वो क्या कह रहा है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से एक और पॉइंट आगे लेना है 20 मीटर अवे ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टॉवर। इस पॉइंट को जो फुट ऑफ द टॉवर से लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन पे 20 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि ये 20 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया गया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट इज 30 डिग्री। तो जो पॉइंट हमने लिया उससे जो ये एंगल बना है, ये जो हमें गिवन है दैट इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है तो अगेन ऊपर के साथ बन रहा था ये। सो व्हाट वी आर टू फाइंड आउट, वी आर टू फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो एक तो हमें ये निकालना है, दूसरा ये निकालना है। इसको मैं एक्स मान लेती हूँ, तो ये पूरा डिस्टेंस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए विल बी 20 + x। तो अगेन यू कैन सी टू ट्राइंगल्स ओवर हेयर, एक ट्राइंगल मेरी बन रही है ए बी सी और दूसरी बन रही है ए बी डी। एक आपकी ये बड़ी वाली ट्राइंगल बनेगी और दूसरी जो है वो छोटी वाली ट्राइंगल बनेगी। सो जब आप छोटे वाले ट्राइंगल लेके चलोगे तो दिस विल बी एच अपॉन एक्स इक्वल टू टेन 60, यानी कि एच इज इक्वल टू √3x आ जाएगा आपके पास। इसको इक्वेशन वन ले लेना, देन सेकंड वाले ट्राइंगल में एच अपॉन 20 + x, तो दैट इज इक्वल टू टेन 30, यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 20 + x। अब यहाँ से
एच की वैल्यू पुट कर लो या एक्स की वैल्यू पुट कर लो, जिसकी मर्जी पुट कर लो, हमें निकालने हैं हाइट ऑफ द टॉवर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, दोनों वैल्यूज निकालनी है, तो जिसको मर्जी रिप्लेस कर लो, जो आपको लगे कि कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। तो आप एच को पुट कर लेना √3x, तो √3 × √3 आपका 3 रह जाएगा। वहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स निकाल के वापस यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी। सो बोथ ऑफ दीज विल बी योर आंसर्स। सो दिस क्वेश्चन यू आर टू डू योर सेल्फ। अगर मेथड में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क फॉर। कहीं पे कोई डाउट, कोई स्टेप नहीं क्लियर कि कैसे करना है, तो यू कैन आस्क द डाउट। अदरवाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री। अब अगेन यहाँ पे मुझे दो चीजें गिवन है, एक बिल्डिंग गिवन है, एक टॉवर गिवन है। और क्या कह रहा है वो कि टॉप ऑफ द टॉवर से एंगल ऑफ एलिवेशन विद द टॉप ऑफ द टॉवर, यानी कि जो टॉवर है वो बिल्डिंग से भी ऊपर है, क्योंकि बिल्डिंग पे खड़े होके फिर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इट मीन्स बिल्डिंग पे खड़े होके, बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होने के बाद भी हम फर्दर ऊपर देख रहे हैं, जहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमें गिवन है। तो दिस इज द बिल्डिंग एंड दिस इज द टॉवर। सो क्या कह रहा है वो हमें, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट मुझे कितनी गिवन है, 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री। तो यहां से जो एंगल बन रहा है एलिवेशन का, दैट इज गिवन टू बी 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यही से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट जो है, दैट इज गिवन टू बी 45 डिग्री। तो डिप्रेशन है ये ध्यान रखना, एक लाइन ये है, इसके पैरेलल लाइन हम ये लेंगे, तो ये एंगल हमारा बन जाएगा 45 डिग्री। अगर आप ऐसे नहीं लेना चाहते तो एक ट्राइंगल ये ले लेना, एक ये ले लेना। अगर जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेना चाहते हो तो एक ट्राइंगल आपका ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा। तो दोनों में से जिस मर्जी वे से कर लेना, बोथ द वेज विल गिव यू द सेम आंसर। अब निकालना क्या है हमें, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टॉवर। हमें क्या निकालना है, हमें हाइट ऑफ द टॉवर जो है वो निकालनी है। तो दो ट्राइंगल्स जो हमारे बन रहे हैं, एक ये वाला ले रही हूं मैं और दूसरा हम ले रहे हैं ये वाला। अब यहां ध्यान दो कि मैं इनकी नेमिंग कर देती हूँ यहाँ पे। जो डिस्टेंस बी ई है, द सेम विल बी द डिस्टेंस सी डी। अब ट्राइंगल ई सी डी में ये मुझे गिवन है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो आई कैन फाइंड आउट सी डी। जो सी डी की लेंथ होगी, द सेम विल बी द लेंथ ऑफ दिस, और ये मेरे पास बेस आ जाएगा, तो आई कैन फाइंड आउट दिस परपेंडिकुलर ए बी। ए बी परपेंडिकुलर जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे पास ए बी आ जाएगा। टॉवर की हाइट क्या है, ये पूरी है, जिसमें से ये डिस्टेंस सेम है, दैट इज गिवन टू बी 7 मीटर। तो मैं इस वाले ट्राइंगल से एच निकाल लूंगी, इस एच में मैं ये 7 ऐड करूंगी, तो दैट विल गिव मी द हाइट ऑफ द टॉवर। तो दो ट्राइंगल्स अगेन आपके बन रहे हैं, फिगर ध्यान से समझनी है। फिगर में हमें क्या गिवन है, एक बिल्डिंग गिवन है, एक टॉवर गिवन है। बिल्डिंग के टॉप से टॉवर के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है हमें 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट ऑफ द टॉवर के साथ हमें गिवन है 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी 45 आ जाएगा। और यहाँ से इस वाले ट्राइंगल को लेके, ये 7 गिवन था परपेंडिकुलर, थीटा मुझे 45 डिग्री गिवन है, तो मैंने बेस निकाल लिया, दैट विल अगेन भी 7। सी डी 7 आ गया, तो बी ई भी 7 होगा, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ऑफ इक्वल आप कह सकते हो कि लेंथ ही है, क्योंकि ये हाइट्स दोनों सेम होंगे। सो ये 7 मीटर, ये 7 मीटर, और ये वाला ट्राइंगल आप लेके चलोगे, तो ये 7 बेस है, थीटा हमें गिवन है, परपेंडिकुलर वी आर टू फाइंड आउट,
ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब हमें जो आंसर देना है दैट इज फॉर द हाइट ऑफ द टॉवर, तो हाइट ऑफ द टॉवर ये आपने पूरी लेके चलनी है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, फिर एक ट्राइंगल आप ये लोगे, एक ये लोगे, ये सेवन है तो ये भी सेवन आ जाएगा, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ट्राइंगल बी ई सी में आप लगाओगे टेन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वहां से बी ई डायरेक्ट सेवन आ जाएगा। अब ये सेवन आ गया, ये निकाल लो कि बाकी आगे आपका प्रोसीजर सेम है। अगर इस मेथड में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क फॉर दैट, अदरवाइज यू विल डू इट योरसेल्फ। यस ऋषित मैम, आपने यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे लिया? बेटे उसने क्या कहा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टॉवर, ये फुट ऑफ द टॉवर है, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा नीचे की तरफ बनता है, तो ये एंगल आ गया 45 डिग्री। अब मेरे पास ये ऐसे बन रहा है, अब इसके पैरेलल अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये मेरी ट्रांसवर्सल है, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो दिस विल बी अ लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड। ग्राउंड के जब भी कोई लाइन पैरेलल हम लेके चलते हैं तो ये एंगल हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, इसलिए आपने उसको एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर दिया दिस वन, जो कि 45 डिग्री है। इज दिस क्लियर ऋषित? ओके फाइन, थैंक यू। सो